जो फायरिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, उसके मामले में आपने जो बड़ी कार्रवाई की है टीम के साथ रह करके, उसके बारे में बताएं सर। ये दिनांक 7/5/20 को हमारे झुंझुनू जिले के अंदर बगड़ थाने में दोजगे और जो झुंझुनू सदर थाना है उसके बाकरा गांव में और मुकनगढ़ थाने के राणासर गांव के अंदर एक साथ लगातार 4 जगह कुछ अपराधी तत्वों ने फायरिंग की थी और ठेके जो शराब के जो नए ठेके खुले हैं उन ठेकों पर भी फायरिंग की थी, रास्ते चलते राहगीरों पर भी फायरिंग करके और दहशत का वातावरण जो बनाया था उसके जो मुख्य मुलजिमान थे वो भी पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। तो हमारे जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद शर्मा साहब के निर्देशन के अंदर तथा हमारे सीओ साहब रामचंद्र मूठ साहब के निकटतम सुपरविजन के अंदर नवलगढ़ पुलिस थाने की टीम ने लगातार 4-5 दिन तक दिन रात कोरोना की ड्यूटी और चेक पोस्ट पे जो ड्यूटी चल रही है उस ड्यूटी की व्यस्तता के बीच में से भयंकर मेहनत करके और हम लोगों ने आज सुबह जल्दी मॉर्निंग के अंदर जगह जगह से सीकर के अंदर गुड़ा थाना एरिया में और खेतड़ी के पास से और नवलगढ़ के कुछ गांवों में से लगातार दबी से दे करके और 9 जो आरोपी है उनको दस्तियाब किया था तथा एक नाबालिग को जो वो है उसको भी हम लोगों ने सुरक्षा में लिया था। उक्त 10 मुलजिमान जो थे उनके अंदर 2 मुलजिमान जो हैं वो इस गिरोह के गैंग लीडर थे, सुमेर कड़वाल और संजय पांड्या। जो संजय पांड्या है वो बलारा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और सुमेर कड़वाल वो नवलगढ़ थाना क्षेत्र का था। तो उक्त दोनों आरोपियों का पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और ये इस घटना के बाद से ही फरार थे जो पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक साहब के और IGP साहब के निर्देशन में और उनके बताए अनुसार नवलगढ़ पुलिस थाने की टीम ने अथक प्रयास करके आज उक्त मुलजिमान को गिरफ्तार करने के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक पुलिस की प्रतिष्ठा का प्रश्न था जिसको हम लोगों ने हमारे नवलगढ़ की पुलिस टीम ने हमारे जाब्ते ने बहुत ही मेहनत करके और आज उनको पकड़ा है, पकड़ करके और बगड़ थाने को अनुसंधान अधिकारी को दिया है जिन्होंने कि उनको आज गिरफ्तार किया है।